नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज। मैं हूं आपके आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस क्विज को हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो आज के क्विज का पहला प्रश्न ये रहा, BARC B1201 नामक भारत की पहली बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री CRM को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए और बी दोनों, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड और भारत एल्यूमिनियम कंपनी। एल्यूमिना और एल्यूमिनियम के देश के अग्रणी निर्माता और निर्यातक नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के साथ संयुक्त सहयोग से BARC B1201 के रूप में एक बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री CRM सफलतापूर्वक विकसित की है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे 2 साल की अवधि के लिए भारत से एशियाई हॉकी महासंघ AHF एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, सलीमा टेटे। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की मिडफील्डर सलीमा टेटे को 25 मार्च से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए भारत से AHF एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। टेटे ने कोरिया के मुंगयोंग में एशियाई हॉकी महासंघ AHF कांग्रेस के दौरान प्रमाण पत्र और पद स्वीकार किया। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। EPFO ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, 8.15%। भारत के सरकारी सेवानिवृत्ति निधि प्रबंधक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर बढ़ाकर 8.15% कर दी। एक विकास जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के 60 मिलियन से अधिक ग्राहकों को लाभान्वित करेगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, MT वासुदेवन नायर। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से लेखक MT वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया। दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार केरल प्रभा अभिनेता ममूटी, पूर्व सिविल सेवा अधिकारी टी माधव मेनन और लेखक ओमचेरी NN पिल्लई द्वारा साझा किया गया था। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। 48 किलोग्राम वर्ग में निम्नलिखित में से किसने 2023 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, नीतू घंघास। भारत की नीतू घंघास ने 2023 IBA महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम वर्ग में मंगोलिया की लुत्सेखान अल्ता सेटसेग को फाइनल मैच में हराकर स्वर्ण पदक जीता। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। RBI ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अकाउंट एग्रीगेटर NBFC AA के रूप में संचालन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी को मंजूरी दे दी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, CRIF कनेक्ट। क्रेडिट ब्यूरो कंपनी CRIF SPA की सहायक कंपनी CRIF कनेक्ट ने घोषणा की है कि उसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अकाउंट एग्रीगेटर NBFC AA के रूप में संचालन शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। WPL 2023 में ऑरेंज कैप किसने जीती। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, मेग लैनिंग। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान मेग लैनिंग ने WPL 2023 के उद्घाटन संस्करण में ऑरेंज कैप जीती। दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाज ने 9 मैचों में 49.28 की औसत से 345 रन बनाए। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। स्पैनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश को नई दिल्ली में ला लीगा द्वारा किस निम्नलिखित देश के दूतावास के साथ लॉन्च किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, स्पेन। भारतीय प्रशंसकों के साथ जुड़ाव बढ़ाने के लिए ला लीगा ने भारत में स्पेन के दूतावास और इंस्टीट्यूटो सर्वेंटीज के साथ साझेदारी में नई दिल्ली में स्पेन दूतावास के निवास पर एक स्पैनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश लॉन्च किया।
आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने अल्बानिया के डुरेस में IWF यूथ विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों के 67 किलोग्राम का कांस्य पदक जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, भराली बेदब्रते। भारतीय भारोत्तोलक भराली बेदब्रते ने अल्बानिया के डुरेस में IWF यूथ विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों के 67 किलोग्राम का कांस्य पदक जीता। इस 15 वर्षीय मुक्केबाज ने कुल 267 किलोग्राम, 119 किलोग्राम, 148 किलोग्राम वजन उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में स्कॉटिश नेशनल पार्टी SNP के नेता के रूप में चुना गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, हमजा यूसुफ। हमजा यूसुफ को स्कॉटिश नेशनल पार्टी का पहला अल्पसंख्यक जातीय नेता चुना गया है, एक संकीर्ण जीत में जो उन्हें पार्टी के भीतर गहरे विभाजन का सामना करने के लिए मजबूर करेगा। स्कॉटलैंड के अगले फर्स्ट मिनिस्टर के रूप में उनकी पुष्टि होना लगभग तय है। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।